हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, किसी भी सिविल सूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम स्टेज होती है। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने एम के लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, आज हम बात करेंगे जजमेंट एंड डिक्री की। इन अ सिविल केस, किसी भी सिविल मुकदमे में जजमेंट और डिक्री का क्या रोल होता है, इसके बारे में जो सीपीसी में प्रोविजन दिया गया है, ये सेक्शन 33 और आपके ऑर्डर 20 में दिया गया है। सेक्शन 33 एंड ऑर्डर 20 बात करता है जजमेंट एंड डिक्री की। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको बेटर वे में समझने के लिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हमारा पार्ट वन है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी को समझेंगे। तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं आज। तो सेक्शन 33 और ऑर्डर 20 है, ये बात करेगा डिग्री एंड जजमेंट की। तो देखिए, ऑर्डर 20 में टोटल 20 रूल्स दिए गए हैं, रूल 1 से रूल 20 तक। आज के पार्ट वन वीडियो में हम बात करेंगे रूल 1 से लेकर रूल 5 तक, और पार्ट टू में हम बात करेंगे रूल 6 से लेकर रूल 20 तक। ठीक है, तो इन दोनों की आज बात करने वाले हैं हम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ बातों पे ध्यान देंगे कि ये डिक्री और जजमेंट हम बार बार सुन रहे हैं, ये क्या हैं। इसका एक हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, डिक्री जजमेंट ऑर्डर का डिफरेंस, जिसका लिंक आपको ऊपर आपके लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, डिक्री और जजमेंट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, इट डिफाइंस अबाउट डिक्री। इट इज़ द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट। जबकि आपका जजमेंट है, ये एक स्टेटमेंट होती है विच इज़ गिवन बाय द जज। जजमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज़ गिवन बाय अ जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द डिक्री और द ऑर्डर। ठीक है, उस किस ग्राउंड पे वो डिक्री दी गई है, ये जजमेंट में बताया जाता है। इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट वे में समझेंगे, ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे। देखिए, डिक्री क्या, हमने बोला कि ये एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन होता है आपका किसी न्यायालय का कोई निर्णय, विच कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज के राइट्स को डिटरमाइन करता है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी अदर ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। जो भी कंट्रोवर्सी है के मैटर हैं आपके मुकदमे में, जिन चीज़ों पर झगड़ा है, उनमें या तो सभी मैटर्स के ऊपर ये डिसीजन दे देता है, पार्टीज के राइट को डिसाइड कर देता है, या फिर उसमें से किसी एक पार्ट को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है और ये कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करता है, यानी कि कंक्लूड कर देता है, कंप्लीट रूप से डिस्पोज ऑफ कर देता है किसी पे कोई। अभी हम टाइप ऑफ डिग्री की बात करें तो तीन तरह की डिग्री होती है। एक होती है आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री, यानी कि मान लीजिए 3 से 4 मैटर आपके कंट्रोवर्शियल थे, उनमें से किसी 2 मैटर को कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो ये आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री हो गई, लेकिन जो आपका सूट है वो पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। दूसरी होगी आपकी फाइनल डिग्री, जब आपके सारे मैटर इन कंट्रोवर्सी जो थे वो सब डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, वो फाइनल डिग्री होती है। एक तीसरी होती है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। देखिए, ये जो तीसरी टाइप है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई मुकदमा था, उसमें आप पोजेशन जाते थे, कोर्ट ने आपको पोजेशन के लिए डिग्री दे दी, तो भाई आपका जो मैटर इन कंट्रोवर्सी था, पोजेशन था, वो आपको मिल गया, लेकिन आपने मैस ने प्रॉफिट के लिए भी साथ में कर दे रखा है। तो मैस ने प्रॉफिट के लिए जब कमीशन बैठता है तो वो बाद में डिसाइड होता है, यानी कि जब डिग्री सूट डिस्पोज ऑफ हो जाता है लेकिन उसमें कुछ डिसाइड करना बाकी भी रह जाता है। डिसाइड इन द सेंस, जिस चीज़ के लिए आपने मुकदमा किया था पोजेशन के लिए, वो आपको मिल गया, लेकिन अभी मैस ने प्रॉफिट बचा है जिसे कमीशन डिसाइड करेगा, तो उस कंडीशन में जो डिग्री होगी उसे बोला जाएगा पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। ये हो गया आपका डिग्री। अब थोड़ा सा जजमेंट को समझते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ने जजमेंट की डेफिनेशन बता दी, इट इज़ अ स्टेटमेंट गिवन बाई जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिग्री और ऑर्डर, कि उसने किस आधार पर डिग्री दी है, उस पर जो स्टेटमेंट होता है वो होता है जजमेंट। तो जजमेंट जो होती है, ये आपकी कंसाइज स्टेटमेंट होती है किसी भी केस की, यानी कि उसमें पहले
पार्टीज के बारे में लिखा जाएगा, मैटर इन कंट्रोवर्सी लिखा जाएगा, इश्यूज फ्रेम लिखे जाएंगे, ठीक है। उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके केस लॉज हैं पुराने वो लिखे जाएंगे, किस बेसिस पे किया गया, ठीक है। फिर रीजन दिया जाएगा डिग्री का, और फिर आपकी फाइनल में लास्ट में डिग्री लिखी जाएगी। पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन की किस आधार पर डिग्री दी गई है वो दिया जाएगा। डिसीजन क्या है, न्यायालय का निर्णय क्या है वो दिया जाएगा, और वो उस डिसीजन का, उस डिग्री का रीजन क्या है ये भी आपका जजमेंट में आएगा। तो जो जजमेंट का आप कभी देखते हो कोर्ट का कोई फैसला, तो उसका जो पहला पोर्शन होता है वो आपका जजमेंट रहता है, और डिक्री बिल्कुल लास्ट में लिखी जाती है। इसीलिए बोला जाता है डिक्री ऑलवेज फॉलोज दी जजमेंट। अभी सेक्शन 33 क्या कहता है जजमेंट एंड डिक्री को लेके, सीपीसी में क्या प्रोविजन दिया गया है कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड, जब आपका मुकदमे की सुनवाई हो जाती है तो न्यायालय क्या करेगा, सेल्फ प्रोनाउंस जजमेंट, वो जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, एंड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शैल फॉलो। और जो जजमेंट वो ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करेगा उसी के आधार पर वो डिक्री देगा। ये हो गया सब्सटेंटिव पार्ट जजमेंट एंड डिक्री का। तो इसका जो सब्सटेंटिव पार्ट का आपको दिया जाएगा प्रोसीजरल पार्ट, हम सीपीसी में पहले भी बात कर चुके हैं कि सेक्शंस को एक सब्सटेंटिव पार्ट दिया जाता है और उनका प्रोसीजर बताया गया है ऑर्डर्स में। तो इसका प्रोसीजर कहाँ पे दिया गया, ऑर्डर 20 में। ऑर्डर 20 बात करेगा जजमेंट एंड डिक्री की, जिसमें टोटल कितने रूल थे, रूल 1 से लेके 20 तक। देखिए जब रूल्स याद करने होते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इतने ज़्यादा रूल्स को कैसे याद करें, तो वहाँ पे रूल को ना कुछ सेग्रीगेट कर लेना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग और देयर रिलेशन विद द टॉपिक। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रूल 1 से लेकर रूल 5 इट डील्स विद द जजमेंट, 1 से लेकर 5 तक जो रूल हैं ये जजमेंट की बात करेंगे। जो आपका रूल 6 से लेकर रूल 19 तक है ये डील्स विद डिक्री, डिक्री की बात करेंगे। और यहाँ पे दो रूल छोड़ दिए हमने, एक 6B और एक रूल 20, यानी कि रूल 6B और रूल 20 बात करेंगे कॉपीज ऑफ द जजमेंट एंड डिक्री, ठीक है। 6B बात करता है कॉपी ऑफ जजमेंट की, और रूल 20 बात करता है कॉपी ऑफ डिक्री की भी जो पार्टीज हैं उनको उनकी कॉपीज मिलनी चाहिए आफ्टर डिपॉजिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फी, ठीक है। जो भी कोर्ट की फीस रहेगी वो जमा करने के बाद उनको जजमेंट और डिग्री की कॉपी मिलनी चाहिए, सो दैट दे कैन अपील इन द हायर अपीलेट कोर्ट, ठीक है। ये उनका राइट बनता है। तो रूल 1 से लेकर रूल 20 तक देखिए हमने कितने अच्छे से डिवाइड किया है कि जब जजमेंट की बात करनी है तो रूल 1 से 5, रूल 6 से 19 तक आपको डिग्री की बात करेंगे, 6B और 20 कॉपीज ऑफ डिग्री एंड जजमेंट की बात करेंगे कि मिलना चाहिए पार्टीज को। इससे आपका प्री एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाता है, जब आप ऐसे डिवीजन कर लेते हैं तो प्री एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प होती है। अभी आगे देखते हैं हम रूल 1 से रूल 5 तक, यानी कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल 1 से रूल 5 तक जजमेंट के बारे में। तो आगे चलते हैं, अभी हम बात करेंगे ऑर्डर 20 की। ऑर्डर 20 आज हम बात करने वाले हैं रूल 1 से रूल 5 तक, यानी कि आपके देखिए रूल 1 आपका यहाँ पे सबसे पहला रूल, रूल 1 आपका क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, कि जजमेंट कब प्रोनाउंस की जानी चाहिए। तो रूल 1 का सब रूल 1 यहाँ कहता है कि द कोर्ट आफ्टर द केस हैज बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट इन एन ओपन कोर्ट एट वंस और एज सून देयर आफ्टर एज मे बी प्रैक्टिकेबल एंड व्हेन द जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस्ड ऑन सम फ्यूचर डे, द सेल फिक्स अ डे फॉर दैट पर्पज ऑन विच द पार्टीज फॉर दैट पर्पज और विच ड्यू नोटिस सेल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर प्लीडर। देखिए क्या कहता है कि जब जब किसी भी मुकदमे की सुनवाई जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और सुनवाई ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि जो जजमेंट है वो ओपन कोर्ट में, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करना है। कैसे पढ़ा, आइदर एट वंस, या तो वहीं पे जिस दिन सुनवाई खत्म हो गया, या सून देयर आफ्टर एज मे बी प्रैक्टिकेबल, जैसा कि संभव हो सके तभी करना है। इसके लिए वो कोई फ्यूचर डेट भी फिक्स कर सकता है, और अगर फ्यूचर में कोई डेट फिक्स की जाती है तो सभी पार्टीज को या उनके प्लीडर्स को एक नोटिस दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक नोटिस दिया जाता है कि भैया उस दिन आपका जजमेंट के लिए डेट है, उस दिन जजमेंट सुनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस होना चाहिए। देखिए 1976 से पहले यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं था, 1976 में एक टाइम लिमिट डाला गया 30 डेज का, प्रोवाइडेड दैट वेयर द जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड एट वंस,
जब मान लीजिए जजमेंट एक बार में प्रोनाउंस नहीं की जाए, भाई आज आपका सुनवाई खत्म हो गया और आज आपकी जजमेंट नहीं प्रोनाउंस की गई, एवरी एंडेवर शैल बी मेड बाई दी कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट विद इन 30 डेज। इसे आप नोट करते हुए चले, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ये जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रखा है, इसे जरूर से जरूर आप यहाँ पे अपना बुक में अपने नोट्स में नोट कर लें, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे आपका। फ्रॉम द डेट ऑन विच द हियरिंग ऑफ केस वाज कंक्लूड, जिस दिन आपकी जो हियरिंग है वो कंक्लूड हो, जिस दिन आपकी सुनवाई पूरी होगी, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको सुनवाई करना है। 1976 से पहले ऐसा टाइम फ्रेम नहीं था, बट 1976 में टाइम फ्रेम डाला गया है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन है, वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल सो टू डू ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस, द कोर्ट शैल फिक्स अ डे फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड द डे शैल नॉट बियॉन्ड द 60 डेज। भाई मान लीजिए 30 दिन में आप नहीं सुना पा रहे हैं, बहुत ही, यहाँ देखिए दोनों वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस हैं, तो उस केस में आप कितना कर सकते हैं, 60 डेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके प्री एग्जाम के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लें। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो 60 डेज का। 60 डेज कब से कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच हियरिंग ऑफ द केस वाज कंक्लूड, जिस दिन आपकी सुनवाई पूरी हुई थी उस दिन से, ठीक है। एंड ड्यू नोटिस ऑफ द डे सो फिक्स शैल बी गिवन टू पार्टीज एंड देयर प्लीडर, और उनको एक नोटिस दिया जाना चाहिए। यहाँ पे जो ये दिया गया है, ये कॉमर्शियल कोर्ट्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल कोर्ट्स होंगे कहीं पे भी, कॉमर्शियल डिवीजन के, या फिर कॉमर्शियल जो अपीलेट डिवीजन, जहाँ पे कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स की अपील की जाती हैं, एज द केस में विद इन 90 डेज ऑफ द कंक्लूजन, वहाँ पे ये टाइम लिमिट जो है 90 डेज हो जाएगी, ठीक है। प्रनाउंस जजमेंट एंड कॉपीज देयर ऑफ शैल बी इशू टू ऑल द पार्टीज टू द डिस्प्यूट थ्रू दी अदरवाइज। देखिए नॉर्मल केस में ये 60 डेज था, लेकिन वहाँ पे इसको 90 डेज कर दिया गया है जब ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात करता है। ऐसे जो भी पॉइंट्स आते हैं उन्हें नोट करते हुए चले। सब रूल टू कहता है कि वेयर अ रिटन जजमेंट इज टू बी प्रोनाउंस्ड, जहाँ पे रिटन जजमेंट मतलब क्या है कि जजमेंट जज के द्वारा लिखी जा चुकी है और उसे अभी प्रोनाउंस करना है कोर्ट में। इट शैल बी सफिशियंट इफ द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट ऑन ईच इशू एंड फाइनल ऑर्डर पास्ड इन केस आर रीड आउट, इट शैल नॉट नेसेसरी टू कोर्ट रीड आउट द होल जजमेंट। देखिए होता क्या है कि अगर ये वहाँ पे जो फाइंडिंग्स थी कोर्ट की वो हर एक इशू पे, ठीक है, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि न्यायालय पूरी जजमेंट को पढ़ेगा, वो सिर्फ उसका कंसाइज जिस्ट पढ़ेगा, लास्ट केस को पढ़ेगा कि उसमें क्या डिसाइड किया कोर्ट ने, पूरा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। द जजमेंट मे बी प्रोनाउंस्ड बाई डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें। जो प्रोनाउंस है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये ओपन कोर्ट में होगा और बाई डिक्टेशन, ठीक है, टू दी शॉर्ट हैंड राइटर इफ द जज इज स्पेशली एम्पावर्ड बाई हाई कोर्ट इन दिस बिहाफ, अगर हाई कोर्ट ने उसको ऑथराइज कर रखा है किसके लिए, एक स्टेनो दे रखा है उसको, स्टेनो बैठता है ना जज के पास, तो स्टेनो को वो डिक्टेट करेगा एंड स्टेनो विल, जो शॉर्ट हैंड होता है वो उसको लिखेगा और टाइप करेगा, बट इट मस्ट बी डिक्टेटेड बाई दी जज, आइदर रिटन बाई दी जज और डिक्टेटेड बाई जज, ये आप ध्यान रखिएगा जजमेंट में। ये ने प्रोवाइजो क्या दिया है, इस प्रोवाइजो को देखिए आप, दैट वेयर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड बाई डिक्टेशन इन ओपन कोर्ट, जहाँ पे डिक्टेशन में आपने जजमेंट प्रोनाउंस की है, द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द जजमेंट सो प्रोनाउंस सेल आफ्टर मेकिंग सच करेक्शन देयर इन। देखिए आपने भाई डिक्टेट कर दिया, आपके डिक्टेट करने से क्लर्क ने लिख लिया, लेकिन जब वो लिखा जा चुका होगा उसके बाद जज उसको पढ़ेगा, अगर उसमें उसे कोई करेक्शन कराना है, कोई गलत है, कोई मिस्टेक है, कोई डिक्टेशन में गलती हो गई है, उसे करेक्ट करेगा एंड आफ्टर दैट करेक्शन इट शुड बी साइंड बाय द जज, जिस जज ने डिक्टेट किया उसको साइन करेगा एंड इट विल बियर द डेट ऑन विच इट वॉज प्रोनाउंस्ड। मान लीजिए कल उसने टाइप करके दिया है तो उस पर डेट उसी दिन का लिखा जाएगा जिस दिन उसको प्रोनाउंस किया गया था एंड इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड का पार्ट रहेगा। अभी आपके रूल टू को देखते हैं। रूल टू यहाँ पे है कि पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रीडेसर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अ जज सेल प्रोनाउंस अ जजमेंट रिटन बट नॉट प्रोनाउंस
बाय हिज प्रीडेसर। मान लीजिए किसी जज ने किसी जजमेंट को लिख दिया है राइटिंग में, वो जज रिटन में हो गया है, रिटन जजमेंट है, लेकिन प्रनाउंस करने से पहले उस जज की वहाँ से पोस्टिंग हो जाती है, या फिर किसी अन्य नेचुरल रीजन की वजह से, ड्यू टू हिज हेल्थ और ड्यू टू एनी अदर रीजन, वो उस चेयर पे नहीं रहते हैं और जज वहाँ से वो चले जाते हैं, वो कुर्सी खाली हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो दूसरा कोई जज आएगा। जो कोई जो दूसरा जज उस पर आता है, तो दैट जज शैल प्रनाउंस अ जजमेंट। वो जज क्या करेगा, उस जजमेंट को प्रनाउंस करेगा। तो रूल टू क्या है, पावर टू प्रनाउंस जजमेंट और रिटर्न बाई जज प्रीडेसर। इट मीन्स अ जज शैल प्रनाउंस अ जजमेंट रिटर्न बट नॉट प्रनाउंस बाई हिज प्रीडेसर। यानी कि जो उनसे पहले उस चेयर पे बैठे थे जज साहब, उन्होंने जजमेंट को लिख दिया था बट प्रनाउंस नहीं किया था, तो जो नए जज उस चेयर पर आएंगे वो उस रिटर्न जजमेंट को प्रनाउंस कर सकते हैं, उनकी पावर है। ठीक है, ठीक है, ही सेल प्रनाउंस में प्रनाउंस करना है उसको, ठीक है, उनको दोबारा से वो जजमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ पे। अभी आपका रूल 3, जजमेंट टू बी साइन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कि जो जजमेंट है इट शैल बी डेटेड एंड साइंड बाई द जज। जज के द्वारा उस पे डेट भी डालना है और साइन भी करना है, इन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में ही करेगा वो, एट द टाइम ऑफ प्रनाउंसिंग इट, जब उसको प्रनाउंस करेगा। एंड वेन वन साइन इट शैल नॉट आफ्टर वर्ड बी एल्टर्ड और एडिड टू सेव एज प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 152। देखिए सेक्शन 152 आपका क्या है, कि जो भी उसके अंदर अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हैं, आपकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं, उनको कोई अगर एरर है, तो उसको न्यायालय जो है या तो सुओ मोटो में या फिर किसी के एप्लीकेशन पे अमेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार साइन हो गया जजमेंट, तो उसके बाद उसके अंदर ये कोई भी अल्टरेशन नहीं कर सकते आप उसमें। ठीक है, तो जजमेंट शुड बी साइंड बाय द जज, और जिस डेट में वो प्रोनाउंस हुई है वही डेट उसके ऊपर वो डालेगा, वही डेट लिखेगा और उसी डेट में साइन भी करेगा। रूल 4, यह बताता है कि जजमेंट्स ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, जो स्मॉल कॉज कोर्ट होती है हमारी, उनके जजमेंट्स के बारे में बात करता है रूल 4। देखिए जजमेंट ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट नीड नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इट नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट फॉर द डिटरमिनेशन एंड डिसीजन देयर ऑन। ठीक है, जो स्मॉल कॉज कोर्ट्स के जजमेंट होते हैं उनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये खाली जो पॉइंट फॉर डिटरमिनेशन और डिसीजन उतना ही लिखते हैं। कंसाइज स्टेटमेंट, हमने क्या बात की जजमेंट में, कि कंसाइज स्टेटमेंट भी होती है, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ केस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली पॉइंट फॉर डिटरमिनेशन एंड डिसीजन होगा उतना ही लिखा जाता है स्मॉल कॉज कोर्ट में। ये इंटरव्यू में भी कई बार ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है इंटरव्यू पैनल के द्वारा, तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलें और हाईलाइटेड कर लें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, सो दैट यू कैन। देखिए हमेशा अपने नोट्स को ना 3 कैटेगरी में बना के चले, मस्ट नो, शुड नो और कुड नो। मस्ट नो में वो चीज़ें आती हैं जो आपको 100% डीपली फुल्ली पता होनी चाहिए, शुड नो में वो चीज़ें आती हैं जो पता होनी चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं पता तो भी चलेगा। कुड नो में है कि जो पता नहीं भी है तो चलेगा, बट ये बात मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कर रहा हूँ, ना कि लीगल नॉलेज के लिए। अगर आप लीगल नॉलेज चाहते हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन जब आपको एग्जाम क्रैक करना होता है तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। अभी ये तो बात करता है स्मॉल कोज कोर्ट की, अभी जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स क्या होगा। द जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स शैल कंटेन, देखिए हमने अभी बात की थी कंसाइज स्टेटमेंट, जो स्मॉल कोज कोर्ट की है उसमें क्या नहीं होती, ये कंसाइज स्टेटमेंट ही नहीं होती, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, ऑफ द केस पॉइंट फॉर डिटरमिनेशन एंड डिसीजन, ये हम अभी स्टार्टिंग में जब हमने इसकी बात की थी डेफिनेशन की, वहाँ हमें तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, और रीज़न होना भी बहुत ज़रूरी है कि क्यों वो जजमेंट दिया गया है, उसका रीज़न भी पता होना चाहिए। अभी रूल 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, कि कोर्ट टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इशू। अब मान लीजिए 4 या 5 इशू, 6 इशूज, नंबर ऑफ इशूज़ हैं, तो नंबर ऑफ इश्यूज में ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डिसीजन ही दे देगा कोर्ट। कोर्ट को हर एक इशू को एड्रेस करना है वहाँ पे, और सब पे उसको अलग अलग से डिसीजन देना है। इन द सूट्स इन विच इशूज हैव बीन फ्रेम्ड, मान लीजिए ये किन इशूज की हम बात कर रहे हैं, जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में लगाए हैं वो नहीं, ये जो प्लेंटिफ ने ब्लेम किया है डिफेंडेंट को, वो सारे इशूज की बात नहीं कर रहे हैं हम जो ऑर्डर 14 में जो इशू फ्रेम कर लेते हैं न्यायालय ने, मान लीजिए 4 इशू फ्रेम किए, 5 इशू फ्रेम किए हैं। फ्रेमिंग ऑफ इशूज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उस पर जब हम बात करते हैं
जब जो इशू फ्रेम हो गए हैं उन सभी के ऊपर आपको डिसीजन देना होगा। कोर्ट शैल स्टेट फाइंडिंग और डिसीजन विद द रीजन, हर एक पर रीजन भी देना है, ठीक है। देयर आफ्टर अपॉन इस सेपरेट इशू अनलेस द फाइंडिंग अपॉन एनी वन और मोर द इशूज इज सफिशियंट फॉर द डिसीजन ऑफ द सूट, ठीक है। तो सभी जितने भी इशू फ्रेम करता है न्यायालय, सभी के ऊपर वो अलग अलग अपना डिसीजन देगा। देखिए अभी रूल 5A की बात करते हैं कि कोर्ट की क्या ड्यूटी बनती है। कोर्ट टू इन्फॉर्म द पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन केस वेयर पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाई प्लीडर। मान लीजिए किसी पार्टी को प्लीडर ने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, एक्सेप्ट वेयर, देखिए अभी लिखा है उसने पहला ही वर्ड, आप ध्यान से दीजिए, लॉ जब आप पढ़ते हैं तो एक एक वर्ड का मीनिंग होता है वहाँ पे। एक्सेप्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाई प्लीडर, अगर दोनों ही पार्टी को प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी पार्टी को प्लीडर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोर्ट शैल व्हेन इट प्रोनाउंस इट जजमेंट इन केस सब्जेक्ट टू अपील। तो जब कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस करेगा, जब जज निर्णय सुनाएगा अपना, तो क्या करेगा, ही विल इन्फॉर्म द पार्टीज, वो पार्टी जो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो कोर्ट में प्रेजेंट होंगी, एज टू द कोर्ट विच एन अपील लाइज, कि आपकी अपील कौन से कोर्ट में होगी, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा, ठीक है, अपील करने से पहले जो आपको लिमिटेशन पीरियड है कब तक आप अपील कर सकते हैं, एंड प्लेस ऑन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन सो गिवन टू द पार्टीज, और ऑन रिकॉर्ड उस चीज़ को नोट भी करेगा। और ये मैं आपको बता दूँ, ये 1976 के अमेंडमेंट में डाला गया था, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ते रहिए साथ साथ में कि अमेंडमेंट्स में कब क्या डला है। तो जो हमारा रूल 5A है, ये 1976 में डाला गया था कि जब पार्टीज को कोई वकील प्रेजेंट नहीं करते हैं तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि उनको बताए कि आपकी अपील कर सकते हैं, आपका अपील का लिमिटेशन पीरियड ये है, और उसने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है पार्टी को, ये वो अपने रिकॉर्ड में भी दर्ज करेगा। लीगल एस्पिरेंट्स, मैं यहाँ पे रूल 6B की भी बात करना चाहता हूँ यहीं पे। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रूल 1 से 5 तक तो जजमेंट के बारे में तो पढ़ लिया, बट 6B इसके साथ क्यों इम्पोर्टेंट है, कि द कॉपीज ऑफ जजमेंट वेंट टू बी मेड अवेलेबल, कि जजमेंट की जो कॉपी है, अभी आपने 5A में पढ़ा कि कोर्ट पार्टी को बताएगा कि आपकी, जब वो प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं होती, इन दैट केस कि आपको अपील आपकी लाई करती है और उसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, लेकिन अपील करने के लिए उसे जजमेंट की कॉपी चाहिए। तो वेयर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, कॉपीज ऑफ जजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल टू दी पार्टीज, जब जजमेंट प्रोनाउंस होता है तो उसकी कॉपीज जो है वो पार्टी को मिलनी चाहिए इमीडिएटली आफ्टर दी प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट के तुरंत बाद, ठीक है। किसके लिए क्यों मिलनी चाहिए, फॉर प्रेफरिंग एन अपील ऑन पेमेंट ऑफ सच चार्जेज एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल मेड बाई दी हाई कोर्ट, सो दैट की पार्टीज अपील कर सकें। और उसे जजमेंट की कॉपी कैसे मिलती है, ही नीड टू पे सम चार्जेज, हर एक हाई कोर्ट अपने स्टेट में कुछ रूल्स बनाता है फॉर दिस कोर्ट फीस, कि आपको कितना चार्जेस देना है, पेमेंट ऑफ करना है जजमेंट की कॉपी वगैरह लेने के लिए, तो उन रूल के हिसाब से जो चार्ज बनाया गया है वो चार्ज वो पे करेगा, और पार्टी को जजमेंट की कॉपी अवेलेबल कराई जाएगी इमिडिएटली आफ्टर दी प्रोनाउंसमेंट ऑफ दी जजमेंट, ठीक है। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, यहाँ तक हमने जाना जजमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अपना डिग्री, रूल 6 से लेकर रूल 20 तक को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, ताकि जजमेंट एंड डिग्री आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।